लेकिन ये पूजा करते के बहुत सारा हम लोग का प्रॉब्लम आया, लेकिन हम लोग कभी चुपचाप नहीं बैठे, हम लोग सोचे पूजा हम लोग का करना है, हम लोग पूजा करेंगे। आम जगह पर जो दुर्गा पूजा होता है तो हम लोग पैंडल में जाते पूजा देखने के लिए, वहाँ पर हम लोग को कुछ डर लगता था। के माँ दुर्गा का प्रतिमा बनता है, वही लोग इतना वंचित है, कोई जाके जगह जाके नहीं अंजलि दे सकता है, नहीं सिंदूर खेल सकता है, बच्चा लोग खुद अपना पूजा में अंशग्रहण नहीं कर सकते। हम लोग खुद चाहते हैं अपना पूजा अपना खुद ही करें, लेकिन ये पूजा करते के बहुत सारा हम लोग का प्रॉब्लम आया, लेकिन हम लोग कभी चुपचाप नहीं बैठे, हम लोग सोचे पूजा हम लोग का करना है, हम लोग पूजा करेंगे। आम जगह पर जो दुर्गा पूजा होता है तो हम लोग पैंडल में जाते पूजा देखने के लिए, वहाँ पर हम लोग को कुछ डर लगता था, लगता कि आम आदमी का साथ हम लोग नीचे अगर मूर्ति देखेंगे कोई कुछ बोल देगा तो डर के मारे एक साइड में हम लोग खड़े हो जाते थे। और दूसरी बात है तो सिंदूर जब सिंदूर खेलता माँ के साथ तब हम लोग देख के तरसते थे कि हम लोग को भी इच्छा करता है कि हम लोग भी सिंदूर माँ को लगाए, लेकिन ऐसा मौका नहीं था, लेकिन डर था कौन शेष बकर को आगे जाने देगा, कोई हमारा साथ सिंदूर नहीं खेलेगा। इलाका के सपोर्ट हम लोग को नहीं मिला, फिर हम लोग को थाना में भी उतना सपोर्ट नहीं आया, लेकिन हम लोग कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट का सहारा लेने से जैसा हुआ कि वहाँ पर एक बार रुक गया, वहाँ रुका पट आया, दूसरी बार क्या हुआ तो हम लोग को कोर्ट का परमिशन मिल गया, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें सपोर्ट करता है। आप शेष बकर हो, आप लोग क्या पूजा कर सकते हो? हम लोगों ने बोला कि हम इंसान नहीं है, हम देश की नारी नहीं है, क्या हमारा हक नहीं है? तो इस जगह से हम लोग रीजन दिखा के हम लोग लड़ाई करके कोर्ट से हम लोग जीत गए, और कोर्ट को मामान्य अदालत से हम लोगों को वो स्वीकृति दिया कि आप लोग हर साल पूजा कर सकते हो।